देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रैवल बैग बनाने के लिए सभी पीसेज इस तरह तैयार कर लिए हैं। पीसेज हमने इसमें हमने ये ऐसे कपड़े दोनों साइड से अटैच कर बॉक्सेस बनाकर एक पीस तैयार कर लिए हैं। इसमें हमने राइस बैग का यूज किया है। जो राइस बैग होते हैं वो सभी के घर में अवेलेबल मिलते हैं। मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। हमने इसको फोल्ड करके ऐसे ये स्ट्रिप बना ली है। जो ये हमारा ये हिस्सा है ये हमने इस साइड रखना है और यहाँ पर स्ट्रिप को हमने 7 इंच तक यहाँ से ऐसे सिलेंगे और वापस ऐसे सिलाई करके वापस आएंगे। ये दोनों हिस्से पर हमने इसी तरह स्ट्रिप लगाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह इस पर स्ट्रिप ऐसे लगा ली है और सेम इसी तरह हमने दूसरे पीस पर भी इसी तरह लगा ले। ये हमने ऐसे स्ट्रिप बनाकर तैयार कर लिए। अब हमने इस साइड वाला जो हमने स्ट्रिप यहाँ तक लगाई है, इस साइड से हमने ये जिप लेंगे। ये जिप हमने इस पर अटैच करनी है। तो हमने जो जिप किसी दिस साइड है वो हमने अंदर के साइड रखनी है। देखिए ये हमने यहाँ पर ऐसे जिप को लगा दी है। अब हम जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको लेंगे और इसको उल्टा कर जो हमारी जिप होगी हमारी सीधी होगी और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये हमारा उल्टा होगा। देखिए ये हमने यहाँ पर ऐसे जिप लगा दी है। अब हम इसको ऐसे उल्टा कर यहाँ पर ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा ली है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम वो पीस लेंगे जो हमने 10x10 इंच का काटा है। ये हमारा हम 2 इंच पर इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने जिप किसी दिस साइड हो हमने अंदर की साइड रखनी है। जिप को सीधा करके ये हमने उल्टी साइड रखनी है। ये हमने उल्टी साइड रखकर यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दी। जिप लगा लिया है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जिप लगाकर ये पीस इस तरह ऐसे तैयार कर लिया और सेम इसी तरह हम दूसरा जो हमारा 10x10 इंच का पीस था उसी को भी हम जिप लगाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पीस हमने इस तरह से तैयार कर लिए। अब हम इसमें पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पर हम अलग कपड़ा लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने पॉकेट बनाने के लिए अलग कपड़ा ले लिया है। ये हमने इस तरह ऐसे रखना है और इसके चारों तरफ हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने चारों तरफ इस पर ऐसे सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारी ऐसे पॉकेट बन गई है। देखिए ये हमने ऐसे पॉकेट बना ली है और सेम इसी तरह हम दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। दोनों पॉकेट हमने बनाकर ऐसे तैयार कर ली है। अब हमने करना क्या कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी हल्की गोलाई कर देंगे। अब हमने करना क्या है कि हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे और जो हमारे ऊपर की साइड है इसके बीच में ऐसे सेंटर पर निशान लगा लेंगे। दोनों पर हमने ये निशान लगा लेना है ऐसे। देखिए ये हमने दोनों पर ऐसे निशान लगा लिया है। अब हमने ये पार्ट लेना है जिस पर हमने स्ट्रिप लगाई है। जो हमने साइड के पार्ट बनाए थे ये हमने जो हमने ये सेंटर पर इसके निशान लगाया था और ये जिप वाला जो बीच वाला हिस्सा है इस पर ऐसे रखेंगे। देखिए ये हमने इस निशान को और इस जिप को बिल्कुल सेंटर में ऐसे मिलाना है।
ऐसे, और इसको मिलाते हुए ऐसे सिलाई करेंगे, यहाँ से ऐसे कर कर सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मिलाकर ऐसे सिलाई लगा दी है। दूसरे हिस्से को भी इसी तरह ऐसे मिलाकर इस पर सिलाई लगा देंगे। दूसरे हिस्से को भी हमने इसी तरह से रखना है। इसके बीच में जो ये निशान लगाया है जिप के, ऐसे बीच में देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने यहाँ पर ऐसे इसको जोड़ दिया है। अब हमसा बचा है जो हमने 16x10 इंच का लिया था, इसको हम उल्टा कर कर यहाँ पर इसके चारों तरफ ऐसे कर कर सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है। देखिए देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसा सीधा करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो बैग है बनकर तैयार हो गया। देखिए हमारा कितना सुंदर और ब्यूटीफुल बैग बनकर घर पर ही तैयार हो गया। एक हम इसमें बहुत ज़्यादा सामान कवर कर कर रख सकते हैं। देखिए वो काफ़ी बड़ा बना है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, अगर आप तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।